बॉलीवुड एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे का आज जन्मदिन है। 1986 को पुणे में जन्मी मुग्धा का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा। मुग्धा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट न मिलने के कारण मुग्धा ने छोटी उम्र में कमाना शुरू कर दिया। मुग्धा की शुरू से ही दिलचस्पी मॉडलिंग में थी। एक इंटरव्यू में मुग्धा ने बताया था कि उन्हें घर से 300 रुपए महीना पॉकेट मनी मिलती थी। मॉडलिंग का शौक था, इसलिए अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए उन्होंने इस दौर में पेट्रोल पंप पर तेल बेचा, जिसके लिए उन्हें रोज के 100 रुपए मिलते थे। साल 2002 में मुग्धा ने मिस ग्लैड ड्रैग्स मेगा मॉडल हंट जीता था। फिर बाद में साल 2004 में उन्होंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्हें सेमीफाइनलिस्ट तक पहुंचने का मौका मिला। यही नहीं, मुग्धा ने कई इंटरनेशनल रैम शो भी किए। 2008 में मुग्धा ने बॉलीवुड में कदम रख लिया फिल्म फैशन से। फिल्म में उनके एक्टिंग को काफी सराहा गया। अपनी पहली फिल्म से ही मुग्धा सिल्वर स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गई। इसके बाद मुग्धा बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आईं। वो कलर्स के शो खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट के रूप में भी दिख चुकी हैं। एक इंटरव्यू में मुग्धा ने अपनी पहली सैलरी के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरी पहली सैलरी मुझे मीडिया की तरफ से मिली थी। 1998 में इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉन्टेस्ट में मैंने भाग लिया था। वहाँ मुझे 500 रुपए मिले थे। उन पैसों को मैंने अपने पापा को दे दिया। हालांकि मेरे पापा बैंकर हैं, तो उन्होंने इस पैसे को मेरे अकाउंट में डाल दिया था। एक्टिंग के अलावा मुग्धा अपने लिंकअप और कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चा में रहती हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुग्धा अपने से 18 साल बड़े एक्टर राहुल देव को डेट कर रही हैं। मुग्धा अपने इस रिलेशनशिप को छुपाती नहीं है, बल्कि वो अपने और राहुल के कई पिक्चर्स अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। दोनों पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में हैं। लंबे टाइम तक डेटिंग के बाद दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। बता दें कि राहुल का एक 20 साल का बेटा है। दरअसल राहुल ने अपनी पहली शादी रीना देव से 1998 में की थी। 2009 में रीना की कैंसर के चलते डेथ हो गई थी। बाद में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की।